दूसरा स्टॉक है जिसकी हम बात करें, GEPIL। प्राइस ने रेगुलर अप मूव दे रही है, हर छोटे एरिया से प्राइस चल रही है। ईएमए का सपोर्ट है, ये सप्लाई जोन रिस्पेक्ट नहीं हो रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। पहला डिमांड जोन बना मंथली का, प्राइस इसमें आती है चल जाती है। दूसरा मंथली का ये डिमांड जोन फॉर्म हुआ है, प्राइस अभी इसके अंदर है। अगर मैं इस पूरी रेड कैंडल को इस तरीके से मार्क कर लेता हूँ एक बार के लिए, अब अगर हम बात करें कि इसमें हमारे पास में बचा क्या है, कौन से पॉइंट पे प्राइस आ सकती है जो कि हमारे पास डिमांड जोन क्लियर है, वो डिमांड जोन हमें दिखा है ये वाला मंथली के साथ में वीकली का ये डिमांड जोन। और डेली पे आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बेस कैंडल के साथ में ये वाला डिमांड जोन नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि जिस तरीके से उसमें ओरिजिन के सप्लाई जोन से प्राइस टच करके नीचे आई थी, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर हो रहा है। तो प्राइस का जो मूवमेंट आने वाले समय में इसके अंदर देखने को मिल सकता है, वो प्राइस का मूवमेंट ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से आके रिटर्न होती है या यहाँ से आके की रिटर्न होती है।